हेलो भाई जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टडी विद राहुल सर। आज हम अपने लिए कहे हैं मैथमिक क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 3 पार्ट नंबर 1 डिफरेंशिएटेड ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 6 एक्स। ठीक है भाई, डेरिवेटिव निकालना आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx, sin का डेरिवेटिव है पावर आ गया जाएगी 3 sin में पावर में से एक कम स्क्वायर x इनटू में sin का डेरिवेटिव है आ जाएगा y cos x इनटू में प्लस है पावर आ गया जाएगी 6 cos x इनटू में पावर में से कम हो जाएगी इनटू में cos का डेरिवेटिव है माइनस का sin है एक्स। ठीक है, और आगे करते हैं गाइज। तो 3 कोस एक्स है, 3 कोस एक्स है इंटू में साइन है स्केयर एक्स है माइनस आ गया जाएगा 6 है साइन एक्स है इंटू में कोस ऑफ 5 एक्स है। दिस इज आवर आंसर। अब चलते गाइज आपके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर सेकेंड। Yes guys, उससे पहले आंसर नहीं आया भैया, इसमें कॉमन भी तो है, 3 कॉमन है दोनों में से कोस कॉमन है और एक साइन कॉमन है, तो कॉमन निकालने पर गाइस मैंने ध्यान नहीं दिया था, 3 साइन एक्स कॉमन है कोस एक्स भी कॉमन, 3 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचा भाई, यहाँ से बचा साइन एक्स बचा खाली, साइन एक्स बचेगा क्योंकि एक पावर दोबारा नहीं गई, कोस सारा मारा गया माइनस करके 3 टू जा साइन बाहर है तो कोस की पावर 4x आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा, शायद चेक कर लेते हैं। यस गाइस, इस तरीके से आपका आंसर बना हुआ है। तो यस गाइस, अब चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर। यस गाइस, y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में dy by dx is equal to में a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर जाएगी sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ गया जाएगा sin x इनटू में sin का डेरिवेटिव cos x है प्लस है b कांस्टेंट वैल्यू है पावर आ गया जाएगी 2 पावर में से कम हो जाएगी इनटू में cos का डेरिवेटिव है माइनस का sin x। ठीक है, इसको अब रीअरेंज करेंगे। अगर मैं कॉमन की बात करूं गाइस तो दोनों में से 2 कॉमन है sin x कॉमन है cos x कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाला 2 ऑफ sin x कॉमन है इनटू में cos x कॉमन है इनटू में यहां से बचेगा गाइस a यहां से बचेगा b अरे माइनस b। ठीक है गाइस, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कांस्टेंट वैल्यू है आपके लिखना होता है 2 इनटू a माइनस b को आपने आगे लिखना है इनटू में sin x है एंड cos x। अब ये 2 है गाइज, अब इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा sin डबल एंगल हो जाएगा तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा भाई a माइनस b इनटू में sin डबल एंगल है x का डबल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते गाइज आपके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। यस गाइज, y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस sin 4x प्लस cos की 4x प्लस tangent x की 4। इस तरीके से गाइस आपका आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, इसका भी डेरिवेटिव गाइस आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव गाइस आपने x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं गाइस हर टर्म का अलग-अलग कर देंगे। तो y का डेरिवेटिव गाइस हो जाएगा dy / में dx इज इक्वल टू में x की 4 का 4x क्यूब है प्लस में sin का डेरिवेटिव है cos है और 4x इनटू में 4x का डेरिवेटिव है 4 प्लस में cos की 4x का डेरिवेटिव है 4 cos है क्यूब है x इनटू में cos का डेरिवेटिव है माइनस का sin x प्लस है tangent का डेरिवेटिव है secant है square x की 4 है टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है
इनटू में x का डेरिवेटिव है 4x क्यूब है, इस तरीके से गाइस मैंने डेरिवेटिव निकाला। अब इसको कर देंगे हम जी अरेंज, मतलब है पहले तो ये लिखना ही है हमें, ठीक है, ये एंगल है बेसिकली, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्यों लिख देंगे हम 4 cos 4x माइनस आगे नहीं आएंगे 4 sin x इंटू में cos हो क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस है 4x क्यूब है सेकेंड स्क्वायर है x की पावर 4, दिस इज आवर आंसर। अब चलते गए आपके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 4। यस गाइस, फोर्थ पार्ट में y इज इक्वल टू कोट क्यूब एक्स है माइनस टेंजेंट रूट एक्स है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट की मन है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, y का डेरिवेटिव है डी वाई बाई में डी एक्स, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में पावर आ गया जाएगी भाई, पावर आ गया कि कोट स्क्वायर है एक्स इंटू में कोट का डेरिवेटिव है माइनस का कोसिकेंट है स्क्वायर है एक्स है माइनस है टेंजेंट का डेरिवेटिव है होता है गाइस सिकेंट है स्क्वायर है एक्स है इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव है वन बाय में टू रूट एक्स है और एक्स का गाइस वन होता है लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो आपका आंसर बन जाएगा जिस गाइस आंसर की बात करें तो माइनस आगे लिख देंगे आप माइनस थ्री कोसिकेंट है स्क्वायर एक्स है इंटू में कोट स्क्वायर है एक्स है माइनस है वन बाय टू ऑफ रूट एक्स है इंटू में सिकेंट है स्क्वायर रूट रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से गाइस आपने आंसर बनाना था। अब चलते हैं आगे आपके अगले पार्ट पर, यस गाइस अगर लास्ट एंड फाइनल पार्ट की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी आंसर आ जाना भाई, क्योंकि पावर में वैल्यू दे रखी है, पावर में फंक्शन दे रखे गाइस हमें, तो इसको भी हमें, और एक बात और भी है भाई, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे इस पर, ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे गाइस। तो वाई का डेरिवेटिव करेंगे हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में पावर आगे आ जाएगी भाई, और पावर में से एक कम कर देंगे तो 5 बाई 2 में से एक कम करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 3 आ जाएगा भाई, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 3 बाई 2 पावर आ जाएगी इसके ऊपर, पावर आगे आ जाएगी भाई, तो पावर में से एक कम कर कर जो बचा उसको लिख देंगे इसकी पावर आ जाएगी 3 बाई 2 इंटू में डेरिवेटिव हो इंटू में डेरिवेटिव हो, अभी इसकी बात आएगी तो भीतर वाले की, तो इनका डेरिवेटिव तो प्लस में है ना गाइस, प्लस माइनस में तो इस हिसाब से डेरिवेटिव होएगा, मतलब डेरिवेटिव इसका तो हो जाएगा इस तरीके से, इसका डेरिवेटिव माइनस का डेरिवेटिव हो एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव है सेकेंड एक्स के तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब मैं इसको तो पैरेलल चलाऊंगा, ये तो सेम आया गाइस इनटू में अब गाइस यहां पे u इनटू v का फार्मूला लगाना भाई, तो मतलब u इनटू v का फार्मूला का मतलब है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड है स्क्वायर x है प्लस है टेंजेंट एज इट इज और x का वर्ग माइनस करके, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है गाइस हमने, जो इंटू वी रूल लग जाएगा मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज है एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव है कोस ऑफ एक्स है प्लस है साइन एज इट इज है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ठीक है, प्लस है सेकंड का डेरिवेटिव है टेंजेंट स्क्वायर है नहीं भाई सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स है
सेकेंड एक्स है इनटू में टेंजेंट एक्स भी होता है, ठीक है। यस गाइस यहाँ तक तो पहुँच गया। अब गाइस जो कॉमन है उसकी बात करेंगे, जो कुछ कॉमन उसकी बात करेंगे भाई, ठीक है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में से देखो, एक तो इसमें से और एक्स कॉमन निकला। यस गाइस ठीक बात है, एक्स कॉमन निकलेगा, एक तो यहां से निकल सकता है और एक ये यहां से निकल सकता है, ठीक है। वैसे कॉमन तो एक्स यहां से भी था बट उसने अलग लिख दिया, ये आंसर की मैं चेक करा रहा हूं मैं, तो ये अलग लिख दिया। और इन दोनों में से टेंजेंट कॉमन निकल गया, इस तरीके से आंसर बनाया होगा गाइस, क्योंकि आंसर की जो मैचिंग है ना वो करनी जरूरी होती है, तभी तो आपको लगेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो गाइस मैं इस का आंसर बना रहा हूँ, अब आप देखते रहना। 5/2 इंटू में एक्स टेंजेंट है, एक्स है माइनस है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है प्लस है सेकेंड है एक्स है सारे की पावर 3/2, ठीक है। अब गाइस ये टर्म आगे लिखने हैं अपने, माइनस करके एक्स स्क्वायर कोस एक्स। वैसे एक बात है, ये सारा प्रोडक्ट में भाई इनको आएगा बीच में प्रोडक्ट में, ठीक है, गुणा में है, मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं गुणा में ही, ठीक है। ये लिख दिया पहले मैंने, अब मैं एक्स कॉमन निकालूंगा, प्लस एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स है, अब यहाँ से बचेगा माइनस का 2 sin x, माइनस के साइन 2 sin x, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इस टेंजेंट एक्स कॉमन है, प्लस का टेंजेंट एक्स कॉमन निकालूंगा इनटू में टेंजेंट कॉमन निकाला गाइस, तो यहां से क्या बचा 1 है और यहां से बचेगा सेकेंड एक्स, दैट्स क्या बचेगा सेकेंड एक्स बचेगा। और ये किस में था मैंने क्या बताया, ये दोनों सभी प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब आप आंसर की भी मैचिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर बनाया हुआ था भाई, तो इस तरीके से आपका ये सवाल करना था। तो यस गाइस हमारे 500 सम देखने के लिए मतलब वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ओके और द बेस्ट, थैंक यू। इस तरीके से आपके ये आंसर बनाने थे, तो यस गाइस ओके और द बेस्ट, थैंक यू।